आज की वीडियो है बिलासपुर के टॉप 10 कॉलेजेस से रिलेटेड। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एडमिशन से पहले इन कॉलेजेस के बारे में जान लेनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि ये सारे कॉलेजेस जो टॉप 10 में हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं, ये हमारे खुद से पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट सेकंड इस पोजीशन पे कॉलेजेस को रखा है। तो टॉप 10 लिस्ट में जो सबसे टॉप पर है वो कॉलेज नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी है, GGU। नाम तो सुना ही होगा, तो आइए जानते हैं GGU के बारे में पूरे डिटेल से। पहला पॉइंट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो इसका पूरा नाम है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। सेकंड पॉइंट है यूनिवर्सिटी, तो GGU स्वयं में एक यूनिवर्सिटी है, इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, तो ये गवर्नमेंटल फंड द्वारा चलता है। चौथा है मोड ऑफ एजुकेशन, तो रेगुलर है, यहाँ से प्राइवेट नहीं किया जाता। पाँचवा है मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पूरा इंग्लिश लैंग्वेज चलता है सभी सेमेस्टर में। छठवा है टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ कोएड मींस बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए कॉलेज है। इसके बाद है फाइनल सेमेस्टर सिस्टम, तो यहाँ सेमेस्टर सिस्टम से एग्जाम होता है। आठवां हमारा पॉइंट है नंबर ऑफ ऑफरेड कोर्स, तो यहाँ 69 कोर्सेज चलाए जाते हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स और अदर सब्जेक्ट में। तो अगर आप इनको डिटेल से जानना चाहते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो इस पर भी हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। दसवां है हमारा एडमिशन प्रोसेस, तो यहाँ एडमिशन के लिए वेट नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर इसके बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम नोटिफाई ज़रूर से करेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने के बाद यहाँ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। हमारे टॉप 10 कॉलेजेस के लिस्ट में सेकेंड नंबर पर है गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स PG कॉलेज, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल से। पहला पॉइंट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स PG कॉलेज बिलासपुर। यूनिवर्सिटी है ये ABVP मतलब अटल यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट है, ये पूरा गवर्नमेंट द्वारा रन कराया जाता है। चौथा है मोड ऑफ एजुकेशन, यहाँ रेगुलर कॉलेज होता है। पाँचवा है मीडियम ऑफ एजुकेशन, यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है, PG का कोर्सेज पूरा इंग्लिश में रहेगा। छठवा है टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ सिर्फ गर्ल्स लोगों को अलाउ है। सातवा है फाइनल एग्जाम सिस्टम, तो यहाँ सेमेस्टर सिस्टम चलता है। आठवा है नंबर ऑफ कोर्सेज, तो यह है 39, जिसमें आर्ट कॉमर्स साइंस इन सभी के और ब्रांचेस हैं, इन टोटल को मिलाकर 39 कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सभी सब्जेक्ट में कितने कितने सीट अवेलेबल हैं, तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो जाकर ज़रूर से देखिए। फिर है एडमिशन प्रोसेस, यहाँ एडमिशन परसेंट बेस पर होता है, मीन्स अगर आप 12th पास आउट है तो आपका 12th पास आउट में जितना भी परसेंट आया होगा उसका मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। अगर आपका यहाँ पर नाम आता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये अटल यूनिवर्सिटी के अंडर में तो आता है, लेकिन यहाँ से नोटिफिकेशन अलग से होता है, मीन्स अटल यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ एडमिशन नहीं होता, इसका अलग से लिंक होता है। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम लोग नोटिफाई कर देंगे। हमारे कॉलेजेस के टॉप 10 लिस्ट में है थर्ड नंबर पर साइंस कॉलेज बिलासपुर, तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। पहला पॉइंट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव PG साइंस कॉलेज बिलासपुर। सेकंड है यूनिवर्सिटी, ये भी ABVP यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट, मोड ऑफ एजुकेशन है रेगुलर, मीडियम ऑफ एजुकेशन है हिंदी एंड इंग्लिश, टाइप ऑफ स्टूडेंट है कोएड मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। फिर है फाइनल एग्जाम सिस्टम, सेमेस्टर वाइज है। नंबर ऑफ ऑपरेट कोर्स यहाँ पर सिर्फ 10 है, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइंस के ही सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। फिर नौवा है डिटेल ऑफ कोर्स एंड फीस स्ट्रक्चर, अगर आपको जाननी है तो इस पर भी हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप प्लीज़ से चेकआउट कीजिएगा। फिर
दसवां हमारा पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर भी एडमिशन परसेंट बेस से होता है, कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। हमारा टॉप फोर्थ कॉलेज है जेपी वर्मा कॉलेज। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। पहला पॉइंट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट जमुना प्रसाद वर्मा पीजी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। यूनिवर्सिटी है एबीवी यूनिवर्सिटी। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट। मोड ऑफ एजुकेशन है रेगुलर। मीडियम ऑफ एजुकेशन है हिंदी, आई थिंक इंग्लिश भी अवेलेबल होगा। टाइप ऑफ स्टूडेंट है कोएड, मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। फाइनल एग्जाम सिस्टम है ईयरली। फिर है नंबर ऑफ ऑफरेट कोर्स जो कि है 20। इसके बाद है डिटेल ऑफ कोर्स एंड की स्ट्रक्चर। तो इस कॉलेज के बारे में भी हम पूरी वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ भी एडमिशन परसेंट बेस पर होता है, पर इसका फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के साथ डलता है। मीन्स आप वहाँ से जब फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पर इस कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पांचवा है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो अपने यहाँ यूटीडी कोर्सेज चलाते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से। पहला पॉइंट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इसको बोला जाता है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। ये स्वयं में यूनिवर्सिटी है, इसको शॉर्ट में एबीवी यूनिवर्सिटी या फिर एबीवीवी बोलते हैं। तीसरा है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, तो ये गवर्नमेंट है। चौथा है मोड ऑफ एजुकेशन, रेगुलर है। पाँचवा है मीडियम ऑफ एजुकेशन, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट अवेलेबल है। छठवा टाइप ऑफ स्टूडेंट, यहाँ कोएड है, मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अलाउ है। सातवा फाइनल एग्ज़ाम सिस्टम, यहाँ सेमेस्टर एग्ज़ाम चलता है। आठवा नंबर ऑफ ऑफरेट कोर्स, तो यहाँ पर पांच ही सब्जेक्ट चलते हैं जो यूटीडी के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नौवा पॉइंट है डिटेल्स ऑफ कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर। तो इसका लिंक अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया गया है, इस पर वीडियो बनने वाला है। फिर है दसवां पॉइंट एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ का भी एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है और स्टार्ट भी हो चुका है फॉर्म डालना। यहाँ पहले इंट्रेंस एग्जाम होता था, अभी कोविड के कारण से यहाँ भी परसेंट बेस से एडमिशन ले रहे हैं। छठवा हमारा कॉलेज है डीपी विप्र महाविद्यालय। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। पहला पॉइंट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, इसको डीपी विप्र कॉलेज बिलासपुर कहा जाता है। दूसरा है यूनिवर्सिटी, एबीवी यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। तीसरा पॉइंट है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, तो प्राइवेट है। चौथा है मोड ऑफ एजुकेशन, आप यहां से रेगुलर भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। पाँचवा है मीडियम ऑफ एजुकेशन, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। छठवा है टाइप ऑफ स्टूडेंट, कोएड है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। सातवां है फाइनल एग्जाम सिस्टम, तो यूजी के लिए ईयरली है एंड पीजी सेमेस्टर वाइज है। आठवां है नंबर ऑफ ऑफरेट कोर्स, यहाँ पर 28 सब्जेक्ट अवेलेबल है। नौवां है डिटेल्स ऑफ कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में भी हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा। दसवां है एडमिशन प्रोसेस, तो यहाँ पर परसेंट बेस से एडमिशन होता है, सॉरी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लिख दिया गया है। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, तभी इसका एडमिशन ओपन है। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कॉलेज सिलेक्शन में इस कॉलेज का नाम मिल जाएगा। सातवां हमारा कॉलेज है सीएमडी पीजी कॉलेज बिलासपुर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। पहला पॉइंट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, सीएम दुबे पीजी कॉलेज बिलासपुर। यूनिवर्सिटी है अटल यूनिवर्सिटी। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है प्राइवेट। मोड ऑफ एजुकेशन है रेगुलर। मीडियम ऑफ एजुकेशन है हिंदी एंड इंग्लिश। टाइप ऑफ स्टूडेंट है कोएड, बॉयज़ एंड गर्ल्स। सातवा है फाइनल एग्जाम सिस्टम, तो यूजी वालों के लिए ईयरली है एवं पीजी वालों के लिए सेमेस्टर है। आठवा है नंबर ऑफ ऑपरेट कोर्स, इसकी जानकारी अवेलेबल नहीं है, पर हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है कि कोर्स कौन कौन से हैं, तो आप चाहें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस है परसेंट बेस पर, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही यहां का भी फॉर्म डलता है, वहां आपको इस कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां एंट्रेंस एग्जाम लिख दिया गया है, पर परसेंट बेस से होता है। आठवें नंबर पर है डीएलएस कॉलेज। तो आइए जानते हैं इस कॉलेज के बारे में डिटेल से।
नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है DLSPG कॉलेज बिलासपुर। यूनिवर्सिटी है अटल यूनिवर्सिटी। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है प्राइवेट। मोड ऑफ एजुकेशन है रेगुलर। मीडियम ऑफ एजुकेशन है हिंदी एंड इंग्लिश। टाइप ऑफ स्टूडेंट है कोएड बॉयज एंड गर्ल्स। फाइनल एग्जाम सिस्टम है UG ईयरली में होता है, PG सेमेस्टर वाइज है। नंबर ऑफ ऑफरेड कोर्स है 31। डिटेल ऑफ कोर्स एंड द फी स्ट्रक्चर, इसके पर भी हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ जाकर देखिए। 10वां एडमिशन प्रोसेस, यहाँ भी परसेंट बेस पर एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं होता है। 9वें नंबर पर है नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है शासकीय माता सबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर। यूनिवर्सिटी है अटल यूनिवर्सिटी। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट। मोड ऑफ एजुकेशन है रेगुलर। मीडियम ऑफ एजुकेशन है हिंदी एंड इंग्लिश। टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं ओनली गर्ल्स। फाइनल एग्जाम सिस्टम है ईयरली एंड सेमेस्टर। नंबर ऑफ ऑफरेड कोर्स अवेलेबल नहीं है। डिटेल ऑफ कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हमारी वीडियो आने वाली है, तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। 10वां है एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पर भी परसेंट बेस से एडमिशन होता है। अटल यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर फॉर्म डाला जाता है, तो आपको वहाँ से इस कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा। 10वें नंबर पर है NDR कॉलेज बिलासपुर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। पहला पॉइंट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नलनी प्रभात देव प्रसाद राय आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज बिलासपुर। यूनिवर्सिटी है अटल यूनिवर्सिटी। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है प्राइवेट। मोड ऑफ एजुकेशन है रेगुलर एंड प्राइवेट। मीडियम ऑफ एजुकेशन है हिंदी एंड इंग्लिश। टाइप ऑफ स्टूडेंट है कोएड बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। फाइनल एग्जाम सिस्टम है UG ईयरली है एंड PG सेमेस्टर वाइज है। नंबर ऑफ ऑफरेड कोर्स है 12। डिटेल ऑफ कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी हमारी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एडमिशन प्रोसेस है परसेंट बेस पर, एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ भी नहीं होता है। अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो अटल यूनिवर्सिटी के में फॉर्म डालिएगा, तो NDR कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इन कॉलेजेस के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, कोर्सेज कौन कौन से हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, सीट कितने अवेलेबल है, तो इस पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।